गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप लोग सब ठीक हैं। सो आज हम ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर मैप्स पढ़ेंगे। मैप्स क्या होते हैं? नक्शे। तो ये मैप्स जो होते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनमें क्या क्या होता है और हम इनसे क्या सीख सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि ग्लोब से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और ग्लोब होता क्या है। ग्लोब होता है मिनी फॉर्म ऑफ आर अर्थ। हमारे अर्थ को अगर हमें जेब में लेके घूमना हो तो हम उसे क्या करेंगे, हम ग्लोब को अपने साथ रखेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ जो है वो कैसे काम करती है, कैसी दिखती है। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ग्लोब को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें एज इन अर्थ को, पूरे अर्थ के बारे में पढ़ना हो। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि अर्थ कैसे स्पिन करती है, रोटेट करती है, कैसे उसके रेवोल्यूशंस होते हैं, कैसे मौसम बदलते हैं, सन की किस पोजीशन पे उसकी कैसा टाइमिंग होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प। इन सच सिचुएशंस वी यूज मैप्स। अब अगर जैसे अर्थ तो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर हमें कोई छोटा सा एरिया पढ़ना हो, जैसे कि हमारी कंट्री के बारे में देखना हो, हमारे स्टेट के बारे में देखना हो, या हमारा जो सिटी है या टाउन है, जो गांव है हमारा, इसके बारे में पढ़ना हो, तो हम जो ग्लोब होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें दिखाई जा सकती, छोटे छोटे टाउन्स जो होते हैं या सिटीज़ जो होती हैं उसको अच्छे से नहीं दिखाया जा सकता, इसीलिए हम उस टाइम मैप यूज़ करते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। अब मैप क्या होता है? मैप होता है ड्रॉइंग, एक तरह की ड्राइंग किसी एक एरिया के बारे में, जो हम बहुत बड़े एरिया को छोटा एरिया दिखाकर हम उसे एक फ्लैट शीट पर ड्रॉ करके बताते हैं। अब पूरा हमारा अर्थ जो है वो राउंड है, इसीलिए हम पूरी तरह से उस राउंड को फ्लैट करके नहीं दिखा सकते हैं, या उतनी बड़ी जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम छोटे से कागज के टुकड़े पर नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम यूज करते हैं स्केल। अब स्केल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. अब देखो, एक मैप में कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, या एक मैप ऐसा हो सकता है जिसमें एक किताब के जितनी इंफॉर्मेशन हो। When many maps are put together, we get an atlas. अब अगर हम देखें, बहुत सारे मैप्स होते हैं, मतलब जैसे आप मान लो इंडिया के बहुत सारे मैप्स हैं, मैप्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, जिसमें स्टेट्स दिखाई जाती हैं, जिसमें रोड के मैप्स हो सकते हैं, रिवर्स के मैप्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के मैप्स हो सकते हैं कि कौन सी जगह पे किस तरीके की इंडस्ट्रीज है। ऐसी चीजें जब होती हैं कि बहुत सारे मैप्स हम जब इकट्ठा करते हैं तो एक साथ बहुत सारे मैप्स को एक किताब की शक्ल देते हैं, उसे बोलते हैं एटलस। ठीक है, एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। अब एटलसेस में बहुत तरीके के मैप्स होते हैं, जैसे कि कुछ मैप्स जो हमें बेसिक मैप्स जो हम लोग यूज करते हैं वो है फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? फिजिकल मैप्स, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस आर कॉल्ड फिजिकल मैप और रिलीफ मैप। फिजिकल जैसे कि वर्ड बता रहा है, फिजिकली कोई चीज हमें पता चलती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंट के आगे पीछे हमारी जो चीजें होती है, ऐसी चीजों को दिखाने वाले मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप्स, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। अब पॉलिटिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जिसमें हमें सिर्फ एरिया दिखता है, यानी कि इतना सा एरिया या इस तरीके का स्टेट है, इस तरीके की कंट्री है, कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, या सिटीज हैं, या टाउन्स हैं। ठीक है, फिर आते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स होते हैं, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि थीमेटिक, वर्ड से ही पता चलता है थीम, जैसे किसी एक थीम पर हो। थीम क्या हो सकते हैं? सच एज रोड, कोई एक मैप जिसमें सिर्फ रोड्स दिखाए गए हैं।
ठीक है, रेनफॉल मैप्स जिसमें सिर्फ रेनफॉल कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट किस एरिया में कितने फॉरेस्ट हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स. सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स. अब थीमेटिक मैप्स में प्रॉपर उनका जो मैप का नाम होता है, रेनफॉल मैप है या रोड मैप है, इस तरीके से है. देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल. अब एक मैप में तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं. एक होता है डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस है, कितनी जगह है दो जगहों के बीच में. डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में ये मैप दिखा रहा है. और होते हैं सिंबल्स, उस मैप पे कौन सी चीजें किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, दिख रही हैं. अब इन चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको मैप मिले, ठीक है. आप मैप्स को देखकर ही समझ सकते हो. अब क्योंकि सबके पास घरों में मैप्स नहीं होते हैं यूजुअली, बट हमारी इस बुक में हमारे पास मैप्स हैं, ठीक है. तो मैं आप उनको बताती हूँ. पेज नंबर आपका 49 और 50 पेज नंबर, ओके. लेट्स गो, लेट्स सी 50 पेज नंबर एंड 49 पेज नंबर. सो हियर दिस, लाइक दिस इज अ सिंपल मैप, बहुत ही सिंपल मैप है. इसमें हमें पता चल रहा है इंडिया, ये इंडिया की बाउंड्रीज हैं जहां पे आप देख सकते हो, ठीक है. फिर हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका. ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये इंडिया का ही पार्ट है, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये इंडिया का पार्ट है, ये मालदीव्स है, ये अलग जगह है, अलग कंट्री है, ठीक है. अब ये आता है सिंपल मैप. अब ये होता है पॉलिटिकल मैप, जैसे कि ये बताया गया है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. अब इसे पॉलिटिकल मैप, जैसे हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल मैप हमें दिखाता है हमारे को बाउंड्रीज के साथ हमारी स्टेट्स, ओके. दिखाता है हमारी स्टेट्स कौन कौन सी है, जैसे ये हर एक स्टेट का नाम दिया गया है. ये देखिए, अगर आपको शो हो रहा है, जैसे ये राजस्थान शो हो रहा है, ये नेपाल शो हो रहा है, ठीक है. और मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, दिस इज योर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिस इज आर जम्मू एंड कश्मीर हियर, ओके. सो ये है आपका पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप ऐसा होता है जहां पे हमें हमारी सिटीज के बारे में दिया गया होता है इन्फॉर्मेशन, सारा सिटीज, हमारी सिटीज कौन कौन सी है कंट्री में, ये हमारी बाउंड्री आती है. अगर आप, क्योंकि इसमें बहुत ही माइन्यूटली दिखा हुआ है, तो अगर आप इसको ध्यान से अपने सामने रख के देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी स्टेट का कौन सा बाउंड्री है, कैपिटल है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ओके. सो दिस इज योर पेज नंबर 49. नाउ विल गो टू पेज नंबर 50. ये है आपका फिजिकल मैप जो हमने देखा था. फिजिकल मैप में हमने क्या पढ़ा था, इसमें दिखाई जाती है फिजिकल फीचर्स, ओके. फिजिकल फीचर्स दिखाई जाती है. अब जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, एक मैप में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिस्टेंस. अब ये इतने छोटे मैप में हमें इंडिया का सारा दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट इंडिया इतना छोटा तो नहीं ना है कि एक पेज पे आ जाएगा. तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं. डिस्टेंस कैसे होती है, मतलब कि इसमें एक सेंटीमीटर या एक मिलीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर शो कर रहा है या 200 किलोमीटर शो कर रहा है, वो होता है स्केल. स्केल का मतलब होता है जब हम डिस्टेंस, स्केल जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं स्केल. तो हमारे लिए डिस्टेंस बहुत जरूरी है, ठीक है. फिर आता है डायरेक्शन. डायरेक्शन में आप हर एक मैप में देखेंगे यहां पे इस तरह से एरो देकर एन दिया होगा. एन मतलब होता है नॉर्थ. तो मतलब जैसे कि हमारा कश्मीर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, हमारे नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में आता है. तो आपको हमेशा डायरेक्शन जो होगी इस तरह से दी होगी. सो अगर ये नॉर्थ है, सो दिस इज साउथ, दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट, ओके. लेट्स सी, मैं आपको बाकी जो दो मैप्स हमने देखे उसमें भी देखते हैं. ये देखो, ये आपका मैप है, ठीक है. इसमें कहीं ना कहीं पे आपको नॉर्थ जरूर दिया हुआ होगा, ओके. यहां पे शो कर रहा होगा इस सेक्शन में नॉर्थ, ओके, या इस टेबल में. ये एक्चुअली आपको दिया गया है दूसरे जो होते हैं सिंबल्स, ये आपका सिंबल्स है, ओके. सो दिस इज योर
यू कैन से डायरेक्शनल मैप, सो आप इसको चेक कर सकते हो, अच्छे से आप देख सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट इज योर सिंबल्स, जो इम्पोर्टेंट होते हैं. सिंबल्स बताते हैं कि ये मैप में हम कहां पे क्या देख रहे हैं. जैसे कि ये सिंबल शो कर रहा है माउंटेन और हिल रेंजेस. अब ये देखो, ये जो दी है यहाँ पे लकीरें, ये सारी क्या है, ये दिखा रहे हैं माउंटेन या हिल रेंजेस दिखा रहे हैं. ठीक है, दिस कलर माउंटेन रेंज दिखा रहा है, ये यहां पे आ रहा है सिर्फ यहां पे एंड हियर. दीज आर माउंटेन रेंजेस, सिर्फ माउंटेन्स है यहां पे. प्लेट्यू रेंज रीजन, ये प्लेट्यू रीजन है जो ये कलर दिखा रहा है, ये प्लेट्यू रीजन है. ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है, माउंटेन्स लेकिन उनके सरफेस जो होते हैं बिल्कुल समतल होते हैं, प्लेन होते हैं, मतलब वो ऊंची जगह जहां पे लेकिन ऊपर प्लेन जगह होती है जहां पे लोग रह सकते हैं. माउंटेन्स के ऊपर हम नहीं रह सकते, हम प्लेट्यूज के ऊपर रह सकते हैं. प्लेन रीजन, अब ये जो ग्रीन एरिया है ये सारा प्लेन रीजन है, ये सिर्फ प्लेन है, यहाँ पे कोई माउंटेन कोई हिल रेंजेस नहीं है. सो ये है आपका फिजिकल मैप. इसी तरह से थीमेटिक मैप जो होगा, इसमें कोशिश की गई है थीम्स दिखाने की, जैसे कि ये रिवर्स दिखाई गई हैं, रेंजेस दिखाई गई हैं. ये देखो, ये है इंडस रिवर, सतलुज, रावी, चिनाब, जेहलम. ओके, नर्मदा रिवर, सतपुरा रेंज, चंबल, यमुना रिवर, ये गंगा. ठीक है, ये इस तरह से जो होता है जिसमें सिर्फ रिवर्स दी गई होंगी वो आ गया आपका थीमेटिक मैप. ठीक है, और ये आपका आ गया फिजिकल मैप. इसको आप इस तरह से अगर देखेंगे, सो ये है आपका स्केल, ये है आपके सिंबल्स, और ये है आपका डायरेक्शन. ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर चैप्टर. पेज नंबर 24 पे हम पढ़ेंगे अब डायरेक्शंस. अब जैसे कि मैप्स आर ड्रॉइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड ऑन अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 kilometers. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter of on the map will show 5 kilometer. उसी तरह से जैसे हमने अभी देखा, स्केल क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस में कन्वर्ट करके हम उसे हम पेज पे शो करते हैं. जैसे कि एग्जांपल, अगर आपका स्कूल आपसे आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप उसका मैप बनाएंगे तो आप 10 किलोमीटर वाला मैप नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे, आप 2 सेंटीमीटर दिखाओगे कि 2 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर शो कर रहा है मैप पर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ठीक है, तो ये है विकास का घर और ये है कम्युनिटी सेंटर. मान लीजिए इधर से यहां तक ये 10 किलोमीटर है, तो हम ये 10 किलोमीटर को इतने से स्केल में मेजर करके दिखा रहे हैं. ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, तो यानी कि हर 2 सेंटीमीटर जो 2 किलोमीटर जो वो 1 सेंटीमीटर बता रहा है. ठीक है, द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज ऑन अ मैप. अगर हमें स्केल पता हो तो हम बता सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक का कितना डिस्टेंस है. जैसे कि यहाँ पे ये स्केल दिया हुआ है. ओके, स्केल क्या है, ये दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स. 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर्स दिखा रहा है. 1 सेंटीमीटर जो है वो जमीन का 10 मीटर हिस्सा बता रहा है. ये है आपका स्केल और ये आ गया आपका डायरेक्शन. ओके, दिस इज योर डायरेक्शन. व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल. फॉर एग्जांपल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप. अब जब हमें मैप पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डिस्टेंस को छोटा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर जो है वो 500 किलोमीटर दिखा रहा है. ठीक है, अब इसका उल्टा जब होगा, मतलब जब व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप. जब हम छोटा एरिया होता है, जैसे कोई विलेज होगा उसका हम कोई मैप बना रहे हैं, तो हम उसमें दिखाते हैं 5 सेंटीमीटर जो सिर्फ 500 मीटर्स ही सिर्फ दिखा रहा है, यहां किलोमीटर्स दिखा रहा था स्मॉल स्केल मैप में, लेकिन लार्ज स्केल मैप में वो 500 मीटर्स ही दिखा रहा है.
लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप. जैसे कि स्मॉल स्केल मैप जो होगा वो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिखाएगा जितनी हमें लार्ज स्केल मैप जो है वो दिखाता है, क्योंकि लार्ज स्केल मैप में हम लोग जो है बहुत कम डिस्टेंस को बहुत ज्यादा दिखाते हैं. ओके, सो ये है आज का आपका इतना सा चैप्टर. आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली मैप्स जो क्या होते हैं. और जो दोनों मैप पेज नंबर 49 पेज नंबर 50 पे मैंने जो आपको दो मैप्स दिखाए, आप उसे अच्छी तरीके से देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप्स और फिजिकल मैप्स क्या होते हैं. टिल देन मेक श्योर कि आप स्टडी करें और अपना ख्याल रखें. टेक केयर, बाय.